करीब ढाई महीने पहले की बात है। 6 साल की उस बच्ची के साथ पहले बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी बच्ची का पड़ोसी ही था। पुलिस ने तफ्तीश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी किया, मगर अब आरोपी के परिजनों ने एक चाल चली है। चाल यह है कि आरोपी को नाबालिग साबित कर दिया जाए ताकि उसे कड़ी सजा से बचाया जा सके। आप भी देखिए रेपिस्ट बेटे को बचाने की कैसे रची गई साजिश। सभ्य समाज से उम्मीद की जाती है कि वो सभ्य इंसान बनाए, और एक परिवार से उम्मीद की जाती है कि घर के बच्चे अच्छे हों, संस्कारी हों। मगर हम आपको ऐसी वारदात से वाकिफ करवा रहे हैं जो हैवानियत से शुरू हुई थी, और इस साजिश में एक परिवार के सारे सदस्य शामिल हैं। सादुल शहर में करीब ढाई महीने पहले 6 साल की एक बच्ची से बलात्कार किया गया। आरोपी हेमंत सोनी ने बच्ची को खेलने के बहाने अपने घर बुलाया था और फिर एक कमरे में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद आरोपी हेमंत ने बच्ची का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। बच्ची की हत्या करने के बाद आरोपी ने उसकी लाश को घर के कूलर में छुपा दिया और फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए घर के आंगन में खुदाई भी की थी। मगर इससे पहले कि वो लाश को ठिकाने लगा पाता, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कूलर से लाश भी बरामद कर लिया। अब देखिए आरोपी जेल में बंद है। आरोपी का साथ देने के आरोप में उसकी मां भी जेल में बंद है, मगर जेल के बाहर उसके पिता मनोहर लाल ने अपने बलात्कारी बेटे को बचाने के लिए उसे नाबालिग साबित करने की कोशिश कर डाली। इसके लिए मनोहर लाल ने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया। मैंने मामला दर्ज करवाया, मेरी पोती की शादी टाइम ही ना, उसका रेप और मर्डर हो गया था। उस जो बालिक है, लड़का है, उसके खिलाफ, उसके बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, क्योंकि उसकी जो वो बालिक है उसका जन्म है 1996 और उसने पेश कर रखी है मार्कलिस्ट 1998 की। हमारे पास एक जयसर की मार्कलिस्ट है, उसमें उसकी उम्र अलग है, एक गंगानगर की है उसमें उम्र अलग है, एक उसकी वही है उसमें उम्र अलग है, एक डॉक्टरी मैन आया उसमें वो बालिका है। दरअसल मनोहर सोनी ने अपने बेटे हेमंत सोनी को जतसर के कॉन्वेंट स्कूल में 15 जुलाई 2000 को नर्सरी में एडमिशन दिलवाया था। इसमें इसकी जन्मतिथि 14 अगस्त 1996 दर्ज कराई थी। बाद में मनोहर लाल ने 8 मई 2007 को सादुल शहर के एक निजी स्कूल के क्लास 6 में हेमंत सोनी को एडमिशन दिलवाया और हलफनामे में आरोपी की जन्मतिथि 14 अगस्त 1998 दिखाई, यानी उसने आरोपी के आयु प्रमाण पत्र में धांधली की थी। हाँ ये सही है, अशोक कुमार सोनी ने मनोहर लाल सनोफ हरिचंद सोनी के विरुद्ध यह प्रकरण दर्ज करवाया है, जिसमें परिवादी का कहना है कि आरोपी ने पहले अपनी शिक्षा के दौरान गलत जन्मतिथि बताई और बाद में साधु शहर में पढ़ने के दौरान गलत हलफनामा प्रस्तुत किया, तो अभी हाल ही में दर्ज हुआ है, जांच जारी है। इतना ही नहीं, जब आरोपी को बलात्कार और हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था तो मेडिकल टेस्ट में डॉक्टरों ने आरोपी की उम्र करीब 20 साल बताई थी, यानी आरोपी की उम्र को लेकर फर्जीवाड़ा किया गया है और पुलिस ने आरोपी के पिता के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये जो आरोपी था मर्डर केस में हेमंत सोनी, इसके पिता मनोहर लाल ने अपने पुत्र हेमंत की अलग अलग विद्यालयों में जानबूझकर उसकी छोटी उम्र ये सोचकर लिखाई थी कि ये भविष्य में कभी कोई जघन्य अपराध करे तो उससे इसका बचाव हो सके, जबकि उसकी जन्म के पश्चात 14/8/1996 यानी कि उसके मुताबिक ये बालिग बनता है। उसके जन्म के कुछ दिन बाद जब इसका नाम रखा गया मनोहर लाल के पुत्र हेमंत का, तो उस दिन भी इनकी पारिवारिक बही में भी यही डेट ऑफ बर्थ उसकी 14/8/1996 अंकित है। इसके अलावा वो जब नर्सरी कक्षा में उसने एडमिशन लिया जैतसर एक विद्यालय में, वहाँ भी उसकी यही उम्र अंकित है, तो यानी कि ये 14/8/1996 ही इसकी असली उम्र है। आपको बता दें कि बलात्कार की इस वारदात के बाद सादुल शहर में जमकर प्रदर्शन हुआ था और लोगों ने आरोपी की फांसी की मांग को लेकर कैंडल मार्च भी निकाला था, और अब आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। सादुल शहर से कुलदीप गोयल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। टोंक पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। आरोप लग रहे हैं कि एक शख्स की पुलिस ने हवालात में इतनी पिटाई कर दी कि उसकी मौत हो गई। क्या है पूरा मामला,
इस रिपोर्ट में देखिए आप। टोंक में जहर खाने से एक शख्स की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद उसके परिजनों ने सादत अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने पुरानी टोंक थाना पुलिस पर युवक को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। दरअसल छावनी इलाके के रहने वाले शादाब को टोंक के सादत अस्पताल में उल्टियां होने पर भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि सादाब ने सल्फाश की गोलियां खा ली हैं। शादाब को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया, मगर रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। यह आरोप लगाया है कि पिछले कई दिनों से पुरानी टोंक थाना पुलिस शादाब को चोरी के मामले में लगातार पूछताछ के लिए बुला रही थी और वह सोमवार को भी थाने से फोन आने के बाद वहां गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। तुम खाने गए थे ना केके? इनको थाने से फोन आया था, इसके पास कहना भाई तुम थाने में बयान दो। एक बार तो पहले भी दिया था बयान, तीन चार दिन से तो खाना नहीं खा रहा और डर के मारे। उन्होंने ना इसको जेल में बंद कर दिया बगैर सबूत के। सबूत ढूंढते पहले ही इससे। किस बात में? किस बात? हमारे पड़ोस में चोरी हो गई, तो चोरी हो गई ना तो क्या कहते हैं इसका भी नाम आ रहा उसमें। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि शादाब बेगुनाह था, लेकिन फिर भी पुलिस उसे झूठे आरोप में फंसा रही है। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। ये पुरानी छावनी का एक युवक है जिसने पॉइजन लिया है और इसको यहाँ से रेफर किया गया था, तो निवाई तक ही पहुँचा था, वापस डेड बॉडी आ गई है। अभी जाँच चल रही है और कार्रवाई हो रही है। परिजन का तो यही है कि हम बयान देने के लिए गए थे और राजू कुछ गया था, ऐसी परिजनों का अभी तक कोई ऐसा पता नहीं। खादी को दागदार करने का यह प्रदेश में पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी राजस्थान में कई पुलिस अधिकारियों पर संगीन इल्जाम लग चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई आज तक देखने को नहीं मिली। हालांकि इस मामले में तफ्तीश के बाद ही पूरा खुलासा हो पाएगा। पुरुषोत्तम जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया टॉक। राजधानी जयपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या किसने की इस पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, मगर जिस तरीके से प्रॉपर्टी डीलर को मौत की घाट उतारा गया उसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि हत्यारे इंतकाम की आग में जल रहे थे। राजधानी जयपुर के खो नागोरियन थाने इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। रविवार देर रात शराब पार्टी के बाद एक प्रॉपर्टी कारोबारी की यहाँ केयर टेकर का काम करने वाले युवक लोकेश के सिर में ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल की टीम को बुलाकर सबूत इकट्ठे करने लगी। पुलिस ने पूछताछ के बाद चार लोगों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में ले गए लोगों के ऊपर पुलिस को शक है कि उनके तार हत्या से जुड़े हुए हैं। वहीं मृतक लोकेश के साथ रहने वाला एक युवक घटना के बाद से ही फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। दरअसल भरतपुर का रहने वाला 30 साल का लोकेश जयपुर में गोनेर रोड स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर के सामने रहने वाले मोहन सिंह के साथ प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। दोनों ने छाया प्रॉपर्टी के नाम से ऑफिस भी खोल रखा था और मृतक लोकेश प्रॉपर्टी दफ्तर के नीचे डिपार्टमेंटल स्टोर का काम भी करता था। रविवार देर रात लोकेश ने तीन चार लोगों के साथ मिलकर शराब पार्टी की। शराब पीने के बाद लोकेश का उसके साथियों के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस दौरान आरोपियों ने लोकेश की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। सुबह दुकान खोलने के लिए नौकर पहुंचा और उसने छत पर लोकेश की लाश देखी और फिर दुकान के मालिक गोपाल सिंह को लाश मिलने की खबर दी। वहीं पुलिस ने एफएसएल की टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस ने दुकान मालिक गोपाल सिंह से दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरों के बारे में जानकारी मांगी तो पहले उसने बताया कि कैमरे चालू हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही उसने कहा कि कैमरे काफी महीनों से बंद पड़े हुए। हमें थाने पे सूचना मिली कि एक व्यक्ति के जो शव है ये गोने रोड पर एक प्रॉपर्टी का ऑफिस उसके ऊपर पड़ी हुई है, जिसका नाम लोकेश है। और यहाँ आकर देखा तो उसका शव जो है इस ऑफिस के ऊपर बना हुआ जो निवास है वहाँ उसका शव मिला है, और नीचे जो है काफी जो ब्लड वगैरह मिला है इसका, तो इसके बारे में जाँच कर रहे हैं। एफएसएल की टीम बुलाई गई है और भी सभी बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए इसका अनुसंधान करेंगे।
पुलिस ने शक होने पर सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक की, साथ ही दुकान के मालिक गोपाल सिंह, मोहन सिंह और हीरालाल समेत चार लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। मृतक लोकेश के साथ रहने वाला बंटी वारदात के बाद से ही फरार है और उसका मोबाइल भी बंद है। पुलिस फरार बंटी की तलाश कर रही है। अब पुलिस या तफ्तीश के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि लोकेश की हत्या किसने की है। जयपुर से आशुतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जयपुर पुलिस ने महज 8 दिनों के भीतर जानलेवा हमला और डकैती की वारदात का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। मामले में जयपुर पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला आरोपी भी शामिल है। जयपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, लूट के गैंग का 8 दिनों में पर्दाफाश। 28 फरवरी की रात राजधानी के निवारू रोड पर हुई सर्राफा व्यापारी से लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी पर हमला कर 15 किलो चांदी, 465 ग्राम सोना और 1,73,000 रुपए नकद लूट लिए थे। इस वारदात के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर एक स्पेशल टीम गठित की गई। पुलिस ने वारदात के तार जोड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज से सुराग हासिल किए। पुलिस को पता चला कि लूट में जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था वो बाइक भी चोरी की थी और इसका नंबर अजमेरी गेट इलाके में बदलवाया गया था। 28 तारीख को मॉर्निंग में इन्होंने 11 बजे रेकी करी थी, जिसमें अगेन ये लेडी का जो मैंने मेंशन किया है ये भी पार्टिसिपेट किया था और लगभग 7 बजे इंदिरा नगर से चल के 7:45 बजे लोग पहुंच गए थे। इसमें एक स्विफ्ट गाड़ी यूज हुई थी और 2 मोटरसाइकिलें यूज हुई थी। स्विफ्ट गाड़ी में लड़की और इसका एक एसोसिएट था और मोटरसाइकिल में 5 जने थे। साथ में लेडी है चंद्रकांता, इसका कोई रिलेशन बना हुआ था किसी प्रोफेशनल मुलजिम के साथ और वो पेशियों पे जाया करता था धौलपुर में भी और मुरैना में भी। तो एक्चुअली वो इन लोगों के साथ, सब लोगों के जो धौलपुर का गैंग है उनके संपर्क में था। उनके संपर्क में जब ये लोग आ गए तो इन दोनों ने लोकल इन्फॉर्मेशन सारी उन लोगों को देनी शुरू की, क्योंकि ये निवारू एरिया के ही निवासी थे और इन्होंने ये रैकी भी कर रखी थी यहाँ पर। तो इस तरीके से घटना को यहाँ पे अंजाम देने का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस की तफ्तीश से साफ हो गया है कि महेश और चंद्रकांता लूट की इस वारदात में शामिल थे और इनके साथ धौलपुर, मुरैना और ग्वालियर के कुछ बदमाश भी शामिल थे। पुलिस ने सबसे पहले जयपुर से महेश और चंद्रकांता को गिरफ्तार किया, उसके बाद इनकी ही निशानदेही पर तीसरे आरोपी कालू उर्फ लक्ष्मण को धौलपुर के डांग मुरैना बॉर्डर से गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों की उम्र महज 20, 21 और 22 साल है। दरअसल आरोपी महेश और चंद्रकांता दोनों जयपुर में लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और छोटा मोटा इवेंट का काम करते थे। इसी बीच उनके परिचित और आरोपी कालू की मुलाकात इनसे हो गई और शुरू हो गई वारदात की प्लानिंग। इन बदमाशों ने वारदात को एक दिन पहले जवाहर नगर और मालवीय नगर से एक एक बाइक चोरी की, ताकि चोरी की बाइक से वारदात को अंजाम दे सके। बहरहाल इस वारदात के 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और अन्य की तलाश जारी है और डकैती में लूटे गए सामान को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, जो पार्ट टाइम इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं। बाकी क्योंकि वो काम बहुत अच्छा इनका नहीं चल रहा था और इनको भी बिग मनी चाहिए था, तो इन्होंने इस तरह की वारदात की प्लानिंग की। बहरहाल जयपुर पुलिस के नए कमिश्नर संजय अग्रवाल के नेतृत्व में महज 8 दिनों के भीतर इस बड़ी वारदात को खोलने के बाद जयपुर पुलिस का एक नया अवतार दिखाई दे रहा है, जो साल 2016 के लिए अच्छे संकेत है। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। प्रतापगढ़ के तलाई मोहल्ले में पुलिस की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। पुलिस कर्मियों ने एक परिवार के सदस्यों से बुरी तरीके से मारपीट की। पुलिस के इस रवैये के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। दिनेश खोईवाल कुछ लोगों के साथ अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। इसी दौरान कस्बा चौकी के एसआई भोपाल सिंह और कांस्टेबल हरीश वहां से गुजरे। पुलिस कर्मियों ने अंदर जाने के लिए कहा तो दिनेश ने पूछ लिया कि क्या घर के बाहर बैठना गुनाह है। बस इतनी सी बात पुलिस कर्मियों को नागवार गुजरी और दिनेश की पिटाई शुरू कर दी। पुलिस वालों ने दिनेश के पिता और महिलाओं को भी नहीं बख्शा। मुझे अपमानित करते हुए मुझे कहा कि मेरे एक थप्पड़ मार दी और उसके बाद मैंने कहा कि मैं अधिवक्ता हूँ। उसके बावजूद भी उन्होंने और भी मेरे साथ हाथापाई की और उस दरमियान
पलंग से उठ के मेरे दादाजी मुझे बीच बचाव करने के लिए आए, तब उनके भी उन्होंने एक झपट मार दी। मेरा पोता वो वकील है ना, उसको बुलाया, हम दोनों बात कर रहे थे, उसके बाद बात करने लगे तो पुलिस वाले की यहाँ क्यों रोड के ऊपर क्यों, सब रोड नहीं हमारे घर के आगे, हम कहाँ जाए, ना नहीं उठो ना, इसके दो तो वकील के लट पट करे चाटा मार मेरे चाटा मार। हंगामा देख लोगों की भीड़ जुटी तो पुलिसकर्मी भाग निकले। देर रात मोहल्ले के लोगों ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। भारी सुचन प्रतापगढ़ एवं अधिवक्ता साथी होने के नाते मैं इस घटना की निंदा करता हूं और साथ ही एसपी साहब से यह निवेदन भी करता हूं कि 7:30 बजे घर के बाहर बैठना कोई जुर्म नहीं है और इस प्रकार की जो घटना कारित की है उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस अधीक्षक महोदय से हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे दोषी अधिकारी जो बिना वजह निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर इस तरह से मारपीट करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है, वहीं पीड़ितों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सवाल ये है कि आम लोग आखिर कब तक पुलिस की गुंडागर्दी के शिकार होते रहेंगे। प्रवेश परदेसी, जी मीडिया, प्रतापगढ़। डूंगरपुर में आसपुर के पचलासा छोटा गांव में हॉरर किलिंग के मामले में याद करिए, महिला को जिंदा जला दिया गया था, जिसके बाद अब गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि अब तक मामले में करीब 33 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इधर पीड़ित परिवार गांव छोड़कर अपने रिश्तेदारों के घर पर रहने को मजबूर है। वहीं एहतियातन गांव में पुलिस बल तैनात है। वारदात के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। हालात ये है कि आज महाशिवरात्रि पर भी मंदिरों में रौनक नहीं देखने को मिली। आपको याद दिला दें कि 8 साल पहले हुए प्रेम विवाह के मामले में महिला को उसके भाई और परिजनों ने मिलकर बीच चौराहे पर जिंदा जला दिया था। इंटेलिजेंस इनपुट है कि समुद्र के रास्ते गुजरात में आतंकी दाखिल हो सकते हैं और महाशिवरात्रि के मौके पर भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसके मद्देनजर राजस्थान में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। अजमेर रेलवे स्टेशन पर गश्त सतर्कता और आने जाने वाले हर यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पहरा है। संदिग्ध सामानों की तलाशी के लिए डॉग स्क्वाड की टीम तैनात है। पुलिस की मुस्तैदी यूं ही नहीं बढ़ी है। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद पुलिस सघन तलाशी अभियान में जुटी हुई है। अलर्ट के मद्देनजर शहर में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। अलर्ट में आशंका जताई गई है कि लश्कर के आतंकी समुद्र के रास्ते गुजरात में दाखिल हो सकते हैं। ऐसे में प्रदेश की पुलिस एहतियातन सतर्कता बरत रही है। पूरे राजस्थान में अलर्ट कर दिया गया। हमारा जो एरिया है स्टेशन का, वहाँ पे विशेष रूप से हमने गश्त, चेकिंग, वीडियो कैमरा से चेकिंग, उसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज है वहाँ पे भी यदि हम लोगों ने अपने आरपीएफ के जवान के साथ अपने जवानों को बैठाया। अलर्ट को देखते हुए सरहदी जिला जैसलमेर में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। सड़कों पर पुलिस गश्त तेज हो गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी सादी वर्दी में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक आतंकी महाशिवरात्रि के मौके पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इस संबंध में हम स्थानीय स्तर पर बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जिसमें BSF है, आर्मी है, एयरफोर्स है, इनसे बात की, इनको भी अलर्ट किया है। स्थानीय पुलिस है, उनमें जो सराय, धर्मशालाएँ, होटल जहाँ इस तरह के लोग आके रुक सकते हैं, उन जगहों के ऊपर लगातार तलाशी की जा रही है। उधर बीकानेर में भी तलाशी अभियान शुरू किया गया है। ट्रैफिक पुलिस आने जाने वाली हर गाड़ियों पर नजर रख रही है। खास तौर पर बाहर से आने वाले वाहनों पर पुलिस की पैनी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।